नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। नंगल के रेल रोड में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष विकास प्रभाकर का दो अज्ञात लोगों द्वारा तेज धार हथियारों से हमला कर मर्डर कर देने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। और अहम बात यह भी है कि इस मर्डर के बारे में किसी आस पड़ोस के लोगों को कानो कान खबर भी नहीं लगी। मिली जानकारी के अनुसार आज शाम विकास प्रभाकर अपनी दुकान पर बैठे थे कि अज्ञात लोगों ने तेज धार हथियारों से हमला कर आराम से फुर हो गए। पड़ोस के दुकानदारों का एक कर्मचारी विकास की दुकान पर सामान लेने आया तो उसने विकास को गंभीर रूप से जख्मी देखा तो उसने अपने मालिक को जाकर बताया तो दुकानदार मनीष और अन्य ने विकास को गंभीर हालात में सिविल हॉस्पिटल नंगल पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर प्रत्यक्ष ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस वारदात के पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल बना हुआ है और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों में संदिग्धों को देखने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस के हाथ ऐसे भी फुटेज लगे हैं जिसमें दो संदिग्ध लोग एक्टिवा पर सवार होकर हेलमेट पहने नजर आए थे। क्या कहा पड़ोसी दुकानदार मनीष ने पहले जय सुने। घटना हुई है, की घटना, कितना क्या पता लगा थानू? पता जी क्या दसी है, गुआंढ दे विच बंदा आया इन्हां कोल वाशिंग करवा रहा था, वह शैंपू लैण वास्ते आया ते उन्हें आगे सानू दस्सिया भी तुहाडे मरीज गुआंढी दा मूँह च खून निकल रहा है। जिस टाइम असीं जाके देखिया तां वह छप्पड़ लग्गिया पिया सी खून दा, फिर चक्किया चक्किया हॉस्पिटल लैके आ गए। इन्हां नाल गल्ल कीती सानू क्या कहा वार्ड की पार्षद विद्या सागर ने, आप खुद ही सुने। मैनु बारे कोई जानकारी नहीं, मैंने सुनिया मतलब फोन ते गया मेरे डेंटल का जिक्र कि भाजी तुसी किथे हो, मैं भाई मैं तो काम कर रहा। उन्हें जिस वेले दस्सिया कि मुंडे दे कोई चीज ऐसी मार गए हैं फिर फौरन पहुंचो, उसी वक्त इतने अस्पताल आके देखा तो मुंडा खत्म है देखा। इस मौके पर क्या कहा सिविल हॉस्पिटल नंगल ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर प्रत्यक्ष ने, आप खुद ही सुने। 5:30 बजे एक केस आया, विकास प्रभाकर का नाम दस्या करते, रेलवे रोड दे है ते दुकानदार है शायद, ते इन्दे नाल दे जिहड़े आए हुए सीगे नाल उन्होंने दस्या भी कोई बंदे इन्हां पर हमला करके गए है। जब असी हुण छानबीन भी कीती है तां देखिया भी खून चलदा पिया सीगा, तां इदां लगदा भी डार्ट वर्गे कोई तिखे वैपन ना मारिया गया, सिर दे पिछले पासे 3 या 4 सेंटीमीटर दा जिहड़ा घाव है, ठीक है, खून भी उहदे विचों निकलदा पिया सीगा। जिस टाइम ही आए सीगे उस टाइम मतलब पेशेंट सीगा नहीं, मतलब है तां वैसे ब्रॉड डेड ही है, पर आपां पूरा अटैम्प्ट पाया, CPR भी दित्ता सीगा, ड्रग्स भी दित्ते सारे, पर पेशेंट रिकवर नहीं कर पाया। इस टाइम पेशेंट डेड। सर तो पता लगा कि कौन लोग सीगे जां क्यों ऐसा कर गए? नहीं, कहिंदे भी जिहड़े नाल दे लैके आए कहिंदे इन्हां दे आण तों पहलां हादसा हो चुका। किन्नी क उमर लगदी है जिहड़ी हुंदा? 45 साल उमर कह रहे हैं नाम दे। उधर इस वारदात की जानकारी मिलते ही DSP अजय सिंह, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रजनीश चौधरी भी मौके पर पहुंचे और क्षेत्र में लगे CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। इस मौके पर पहुंचे DSP अजय सिंह ने कहा कि बैसाखी के पर्व के मौके पर इस तरह की वारदात हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोपियों को जल्द करने के लिए टीमों का गठन किया गया है और CCTV फुटेज में दो एक्टिवा सवार संदेह के घेरे में आ चुके हैं। क्या कहा DSP अजय सिंह ने, आप खुद ही सुने। बड़ी मंदभागी घटना हुई है जो विसाखी के दिन ते जड़ा मर्डर होया हैगा, मैंने भी पता लग्या सी आनंदपुर साहब से, हले मैं इत्थे पहुंचया हैगा, जिन्ना क हले पहले देखने च पता लगता पा कि जो दो हमलावर से उन्होंने आके अटैक किया, तो ये बंदे दी जिदे करके डैथ हो गई है लड़के की, तो हुण असीं अपना सारा जिन्ना भी हैगा जिन्हें CCTV कैमराज चेक कर रहे हैं, नाके अलर्ट करते हैं जिधर नूं गए, साड़ियाँ टीम्स कर रही हैं, तो आप जल्द तो जल्द इन ट्रेस करांगे। देखो वारदात जड़ी होनी है एक बाय नेम होनी या वारदात होकर ट्रेस हो जानी वो इदा दे हैगे आ, पर जड़ी ये ब्लाइंड आ हले तक, तो जिन्या भी अगे भी दो हुई है वो ट्रेस हो गई, ठीक है, वारदात हुई हैं ट्रेस हो गई हैं, तो इनू भी असी ट्रेस करांगे। हले कुछ नहीं, नहीं गोली चली होंगी तो हले कुछ नहीं, हले मैं कुछ नहीं कह सकता, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी फिर पता लगेगा।
सटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।